सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने, सेना को एक प्रकार से आपने नियंता बना दिया था। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 8400 करोड़ का विमान लैंड किया है भारत। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 छापर मारे। क्या आपका पहला वोट एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? देश की जनता के दिल में भारत की सेना के लिए काफी प्यार और सम्मान है। सेना को लेकर तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी काफी सक्रिय रहते हैं। उन्हीं की सरकार में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये तो सबको याद ही है। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री दिवाली मनाने सेना के बीच पहुंच जाते हैं तो कभी बिना किसी शेड्यूल के लद्दाख सेना का हौसला बढ़ाने चले जाते हैं। ऐसे ही वह यूपीए सरकार पर तंज भी कसते नजर आते हैं। आर्मी के विषय में जरा पहले आप ये सुनिए। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने, सेना को एक प्रकार से आपने नियंता बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप किस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छे प्रकार के जूते थे। आपने मोदी जी का बयान तो सुना कि वे आर्मी के लिए कितना सोचते हैं। अब आप एक वायरल वीडियो भी देखिए जिसमें आर्मी के जवान अपने परेशानी बता रहे हैं। एक दिन विजय पालनकर बोला उसको भी चुप करा, ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हैं। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है? कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। अपने ओसी साहब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलग, यहाँ जो जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? अरे आप व्यवस्था कराना, आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तो व्यवस्था कराना। यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। आप ऐसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। जिस देश का प्रधानमंत्री आर्मी के नाम पर देश की जनता से वोट के लिए मांग करता है। मैं जरा कहना चाहता हूँ मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? जिस देश का प्रधानमंत्री सेना का मनोबल बढ़ाने चाइना और भारत के बीच बॉर्डर टेंशन के वक्त हौसला बढ़ाने चला जाता है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं।
उसी देश में खुद जवान ही सुरक्षित महसूस ना कर रहे हो तो आपने खुद ही सुना कि जवानों को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजा जाता है। अब इस पर सवाल सरकार से ना हो तो किससे करें? जो फौज देश की सुरक्षा के लिए तैनात है वह खुद ही असुरक्षित महसूस कर रही है। जहां एक तरफ जवान असुरक्षित गाड़ी में सफर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के लिए जहाज आ रहे हैं और उनकी कीमत 8400 करोड़ है। इस मामले के बारे में अधिक जानकारी अजीत अंजम ने अपने यूट्यूब चैनल पर दी। ट्रक में नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में कुछ जवान जा रहे हैं और उस ट्रक में वो जवान जो बातचीत कर रहे हैं, पहली बार मैंने ऐसी बातचीत सुनी है। जवान खुद कुछ बातें कर रहे हैं कि कैसे उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में खटारा, एक जवान बता रहा है कि टीन का है, यहां से गोली लगेगी तो हम सीधे मारे जाएंगे और हमें ऐसे ट्रक में क्यों भेजा जा रहा है। और उसके बाद उसकी नाराजगी, ये डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं था कल, ये इशू क्यों नहीं था। यही वीडियो अगर कुछ दूसरा होता, यही वीडियो ऐसा होता कि मीडिया और सरकार के एजेंडे को सूट करने वाला होता तो कल शाम को इस पर बहस हो रही होती। और ये सवाल क्यों उठे? सवाल इसलिए उठे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, राष्ट्रपति के लिए 8400 करोड़ का विमान 1-2 अक्टूबर को लैंड किया है भारत, सुसज्जित विमान तमाम सुविधाओं से लैस। राहुल गांधी ने आर्मी की यही वीडियो शेयर करते लिखा है कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या ये न्याय है? इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, पीएम ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था, गर्म कपड़े, जैकेट, दस्ताने, जूते, ऑक्सीजन सिलेंडर। पीएम को सिर्फ अपने इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। सेना के जवानों की तरफ से ऐसी वीडियो आती ही रहती है। इससे पहले भी ऐसा एक विवाद सामने आया था जिसमें बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खाने को लेकर सवाल उठाए थे। नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की, ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक में, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां, देखिए आप ये। अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक बीएसएफ का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? सभी अधिकारी सब सामान बाजार में बिक्री कर देते और ये खाना खाने के लिए मिलता है। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भारत सरकार तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं अपना खुद का वीडियो भी आपको दिखाता हूँ जो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं दाल। मैं तेज बहादुर 29 BNBSF से ये बयान दे रहा हूँ कि आज के जवान में जवानों की क्या हालात है, कैसा खाना मिल रहा है, आप देख रहे हैं। जय हिंद। बाद में तेज बहादुर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में 2019 के चुनाव में भी उतरे थे। हाल ही में यूपी के रायबरेली में फौजी को पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां जमीन विवाद में एक फौजी को थाने में बुलाकर सिपाही ने जमकर पीट दिया। इसके बाद मीडिया के सामने फौजी रोते रोते अपनी बात कहता दिखाई दिया। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पे जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा, उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम अप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर चार दो सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए तुम, मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चलान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। इस साल का डिफेंस बजट 3.37 लाख करोड़ है। अगर सरकार डिफेंस के मामले में इतना खर्च कर रही है तो फिर भी जवानों को वीडियो के जरिए अपने परेशानियां क्यों बतानी पड़ रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।